अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बनाऊंगी मूंग की दाल के दही बड़े। ये मैंने मूंग की दाल ली है, उसमें मैंने आधा कप उड़द की दाल भी ऐड की है, उससे उसका टेक्सचर अच्छा आ जाता है। ये मैंने एक बॉल ले लिए, उसमें इसे दाल को डाल दिया है और इस दाल को मैं अच्छी तरह से वॉश करूंगी। मैंने दाल को 2-3 बार इसे वॉश किया है और इसमें पानी भरकर इसे पूरी रात के लिए रख दूंगी। पानी आप ऊपर तक ही भरिए क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा फूल जाती है। तो ये देखिए, मैंने अपनी दाल को पूरी रात रखा था तो ये दाल इस तरह से हो गई है। अब मैं अपनी दाल को एक जार में थोड़ी थोड़ी कर पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने दाल को इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे अच्छी तरह से पीस लूंगी। ये देखिए, मेरी दाल पीस चुकी है। दाल को बिल्कुल बारीक नहीं रखना है, हल्का सा दरदरा रखना है और इसे बड़े से बॉल में निकाल लेंगे। इसी तरह से मैंने अपनी सारी दाल पीस ली है और एक बड़े से बॉल में ऐड की है। ये देखिए, सारी दाल पिस चुकी है। मैंने इसमें 1/2 स्पून जीरा ऐड किया है और अपने टेस्ट के हिसाब से आप अपना नमक डालिए और इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। ये देखिए, मैं इसे कितने अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। आप भी इसमें जितना हो सकता है इस दाल को फेंटिए। मैंने इस दाल को 15 मिनट तक फेंटा था। इस दाल को जितना फेंटा जाएगा उतने ही बड़े सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। ये देखिए, दाल का टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए, मैंने अपनी दाल को कितना फेंटा है और मैंने अब स्पून से भी इसे अच्छी तरह से फेंटा है। दाल का टेक्सचर देखिए। अब मैंने तेल गरम होने रख दिया है और इसमें गरम होते ही हम अपने बड़ों को सेकेंगे। ये देखिए, मैंने अपने बड़े सारे इसमें डाल दिए हैं और बहुत कम फ्लेम पर ही हम इन्हें सेकेंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाएं। ज़्यादा फ्लेम अगर आप रखेंगे तो ये ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से नहीं सिकेंगे। तो आप जितना हो सकता है आप फ्लेम को कम ही रखना। ये देखिए, मेरे बड़े सिक चुके हैं और मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने अपने सभी बड़े सेक लिए हैं और बाहर निकाल लिए हैं। ये देखिए, मैं आपको फोड़ कर भी दिखाती हूँ कितना अच्छा जाल पड़ा है इसमें। इससे पता चलता है कि ये अंदर तक सिक चुका है। अब देखिए, मैंने इसमें एक बड़ा सा बर्तन लिया है जिसमें मैंने बिल्कुल चिल्ड पानी लिया हुआ है। आप गर्म पानी में भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसे चिल्ड पानी में डाला है और इन्हें अब मैं 3 घंटे के लिए भिगोने रख दूँगी। ये देखिए, मैंने इन्हें अच्छी तरह से डिप किया है। ये देखिए, मैंने 500 ग्राम दही लिए और उसे अच्छी तरह से फेंटा है। ये मैंने इसमें 2 चम्मच शुगर भी ऐड किए। ये शुगर पिसी हुई थी, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे मीठी दही अच्छी लगती है। ये देखिए, मेरे बड़े कितनी अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब मैं इन बड़ों को अच्छी तरह से निचोड़कर इस दही के अंदर मिला दूंगी। मैंने कुछ बड़े दही के अंदर मिलाए हैं, कुछ बड़े ऐसे ही छोड़ दिए हैं। बहुत से इन बड़ों को ऊपर से दही डालते हैं। ये देखिए, मैंने अपने बड़ों को दही के अंदर डुबो दिया है।
ये देखिए मेरे पास ना कुछ ड्राई फ्रूट्स है, मैंने वो भी रखे हैं, और ये अनारदाना, ये हरी मिर्च की चटनी है, और ये मीठी चटनी है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ मसाला है, इसमें भुना हुआ जीरा, गरम मसाला, काला नमक, और ये देखिए मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। मैंने कुछ बड़े प्लेट में सर्व किए हैं, और देखिए मैं चम्मच से फोड़ के दिखाती हूँ कितनी आसानी से बड़े फूट रहे हैं। मैंने कुछ दही ऊपर से भी डाली है, मैंने इस पर ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, आप स्किप कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप इस पर अंगूर भी इस पर डाल सकते हैं। मैंने इस पर अनारदाने भी डाले हैं, और इसमें थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ी सी इसमें मीठी चटनी। ये मेरा खुद का बनाया हुआ मसाला ऐड किया है। ये देखिए मेरे दही बड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने इस पर थोड़ी सी स्लाइस बनाना की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।